तो गोरखहिल से वापस आने के बाद मेरी जिंदगी एकदम से बहुत फीकी पड़ गई, जिस तरह की किसी भी ट्रिप से वापस आने के बाद जिंदगी फीकी पड़ जाती है। लेकिन आपके भाई को इस फीकापन में मसाला ऐड करने का आइडिया आ गया है। क्या हाल है ब्रो? तो गोरख के बाद वाला पूरा हफ्ता मैं तरसा हुआ था कि यार जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग हो जाए यार। मतलब गोरख कहाँ था और ये नॉर्मल जिंदगी, मतलब व्हाट इज दिस, समथिंग एक्साइटिंग नीड्स टू हैपन। तो जब वीकेंड आया तो मैंने सोचा कि यार इस एक्साइटमेंट की भूख को दूर करने के लिए कहानी में थोड़ा तड़का लगाना पड़ेगा इस वीकेंड। तो लगाया मैंने अपने कजन्स को फोन, हम गाना स्टार्ट कर रहे हैं और मैं गाना स्टार्ट करूंगा और उमर फिर उस गाने को कंटिन्यू करेगा। गाना पता नहीं कौन सा, अभी खुद बना रहे हैं, अभी लाइव इम्प्रॉम्प्टू। मेरे ख्वाब अधूरे मिल जा, मेरे कजन्स याया और उमर, हम और हमारा एक और कजन सैफ जो आजकल लाहौर में आलू बेचता है, बचपन से नाइट स्टेज करते आ रहे हैं। लिटरली मतलब मजाक नहीं कर रहा, 20 साल से नाइट स्टेज चल रहे हैं हमारे। लेकिन काम शाम की वजह से 2 महीने से हमारे नाइट स्टेज हुए नहीं है, तो मैंने कहा भाई ये सैटरडे ऑन करो। तू मुझे 2 महीने से कटा रहा है, हैं? और जो है अबे तू थका हुआ है? मैं थका हूँ। क्यों थका हुआ है? कि बिजी था कुछ? मैं बिजी था लेकिन तो मैं नहीं हो सकता लेकिन मैं टाइम निकाल लेता। मैं भी तेरे सामने खड़ा हूँ। टाइम निकाला था लेकिन फिर ये इमोशनल हो गया था और इसने अपने इमोशनल हथियार उतार दिया। हमारे नाइट स्टेज हमेशा एक ही पैटर्न में जाते हैं। पहले तो हम बैठ के दुनिया जहां की फजूल बातें करते हैं। लंदन 2012 ओलंपिक्स के एस्टिमेटेड ऑडियंस वर वाज 3.6 बिलियन। लंदन 2012 के हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वो वॉच्ड, उसमें से मैं भी एक था। उसके बाद आपका भाई गिटार पकड़ता है और हम अपने तीसरे कजन की याद में हमेशा एक ही गाना गाते हैं। मिल गया वो फिर होता है मेरी वीडियोस का प्रीमियर सेशन। क्या आप लोग प्रीमियर के लिए रेडी हैं? इस बार भाई ने सारी गोरख की वीडियोस दिखाई इनको। एंड फिर आता है मेन इवेंट। अब उमर क्या अच्छे लग रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं यार, अच्छे लोग हमेशा अच्छे लगते हैं। यार आपकी जिंदगी का सबको हीरो होना चाहिए मुझे लगता है, और आप भी अपनी जिंदगी के हीरो हैं। ये नहीं है, ये यहाँ है आप, यहाँ है आप। नाश्ता चलो, थैंक्स टू ये नाइट स्टे जिंदगी थोड़ी सी मजेदार हो गई, लेकिन फिर ये नाइट स्टे भी खत्म हो गया और संडे आ गया। एंड आप लोगों को पता ही है कि मेरे संडे नॉर्मली कितने जहर बोरिंग गुजरते हैं, लेकिन इस संडे ऐसा नहीं हो सकता, तो पुराने मुर्दों को जगाने का टाइम आ गया है। आपके भाई को बचपन से स्विमिंग का नेक्स्ट लेवल शौक है। स्विमिंग करने का मुझे बहुत शौक है। मैं बचपन में इतनी स्विमिंग करता था कि मैं क्या बताऊँ आपको, हर दूसरे दिन मैं पहुँचा होता था कराची क्लब। लेकिन थैंक्स टू सुस्ती भाईजान काफ़ी अरसे से मैंने स्विमिंग करी नहीं है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। स्विमिंग करने के बाद बाल सारे खराब हो जाते हैं, वरना उसके अलावा स्विमिंग से बेहतर चीज़ कोई भी नहीं है।
लेकिन मुझे करने में बड़ा मजा आता है। अगले संडे फिर से आना चाहिए, अगले संडे फिर से आना चाहिए। स्विमिंग भी कर ली, घर आ गए, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल तड़के वाली फीलिंग नहीं आ रही जो मुझे गोरख हिल की वादियों में आ रही थी यार। हाय यार, गोरख का सीन कितना गुड था यार। एक और ट्रिप मारे कब? फौरन तख लिया।